हेलो दोस्तों, टेक्निकल वाला में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम काइन मास्टर के ऊपर, जो एंड्रॉयड के वर्जन 11 के ऊपर जो भी सोमी के नए फ़ोन आते हैं उस पर काइन मास्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये काइन मास्टर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फ़ोन की है, जो कि हमारे पास एंड्रॉयड का न्यू वर्जन जो आया है 11, इसमें तो देख सकते हैं हमारा क्या क्या सपोर्ट करता है काइन मास्टर में। तो चलते हैं हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे करना है। तो चलते हैं काइन मास्टर के ऊपर, ऑन करके देखते हैं। तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हमें इंटरफेस होता है हमेशा जब भी एडिट के ऑप्शन में आते हैं, क्योंकि इसका बैकअप से अगर स्क्रॉल करके आप हटा देते हो तो ये प्रॉब्लम आती है, नहीं अगर बैकअप में आपका जहाँ था जैसे पेज वैसे ही खुलेगा। तो चलते हैं, हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को कुछ देर पुश करके रखेंगे तो ऐप इंफॉर्मेशन आती है। इन ऐप इंफॉर्मेशन को के नीचे की ओर जाएंगे हम, तो यहाँ हमें फुल स्क्रीन मोड मिलेगा देखने को। तो इसे क्या करना है, हमें ऑन कर देना है। नीचे देख सकते हो फुल स्क्रीन मोड। तो ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आएंगे होम स्क्रीन से, बैक आने के बाद हम एप्लीकेशन ऑन करके ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो फिर से ये हमें प्रॉब्लम देख सकते हो नहीं आ रही है, इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सब की ऑप्शंस मिल रही है हमें। तो हमें क्या करना है, वन टाइम फिर से सेकेंड ट्रिक्स अपनाना है। सेकेंड ट्रिक्स क्या है, वो यहाँ से हमने इसे बैकअप से स्क्रॉल कर देंगे, बैकअप से हटा देंगे, उसके बाद फिर से इसे ऑन करके हम देखते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हुई है या नहीं। तो देखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को फिर से मतलब दूसरे ट्रिक्स में हम अपनाएंगे। तो दूसरे ट्रिक्स में देखते हैं करके क्या होता है। तो दूसरे ट्रिक्स क्या है, इसी पे है। तो हम फिर से एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, एप्लीकेशन को कुछ देर पुश करके रखने के बाद ऐप इंफॉर्मेशन सेम प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करना है, यही फुल स्क्रीन डार्क मोड, फुल स्क्रीन मोड को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद हमें क्या करना है, देखते हैं इन दोनों को बैकअप से भी स्क्रॉल करके हटा देते हैं। उसको हटाने के बाद फिर से हमने ऐप को ऑन करके देखना है कि क्या मतलब प्रोसेस है इसका। तो फिर से देखने के बाद हमें वही प्रोसेस मिल रही है क्या, कि आपको पहले जैसा ऐप दिखाई दे रहा है, पहले जैसा काम कर रहा है। लेकिन फिर से हमें क्या करना है, वन टाइम और ट्राई करना है। तो ये तीसरा ट्रिक्स है, तीसरे ट्रिक्स में फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। तो तीसरे ट्रिक्स हम बताएंगे, क्योंकि जब तक बैकअप में ऐप होते हैं तब तक हमें काम करता है पहले जैसे, नहीं तो बैकअप से स्क्रॉल करके हटाने के बाद हमें क्या करता है, प्रॉब्लम देती है। तो फिर से हमें ऐप को क्लिक करके रखना होगा क्योंकि वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके नीचे जाएंगे, क्लियर डाटा देखने को मिलता है हमें, तो क्लियर डाटा, ऑल क्लियर डाटा हम कर देंगे। ऑल क्लियर डाटा करने के बाद फिर से हमें बैक आना है, होम स्क्रीन बैक आके उसको ओपन करना है। तो परमिशन कुछ मांगते हैं, उसे अलाउ कर देंगे हम। अलाउ करने के बाद देख सकते हैं, या स्टार्ट करते हैं तो अभी रैंडम लेटर कर देते हैं अभी, क्योंकि हमें अभी कुछ दिखाना है। तो ये आप इस तरह से हमारा काम कर रहा है, एडिट का ऑप्शन सब कुछ आ रहे हैं। तो हमें फिर से वन टाइम बैक जाके ये चेक करना है कि अगर बैकअप से हम हटा देते हैं एप्लीकेशन को, तो यहाँ से पहले हमें क्या करना है, अब रन लेसेस कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा एंड्रॉयड वर्जन जो भी है 11, 10, 9, तो ये कितना क्या चीज़ सपोर्ट करता है काइन मास्टर एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो इसे ऑन करने के बाद हमें ये चीज़ मिल जाता है। चलिए हमने यहाँ से इसका रिज़ल्ट देख लेंगे क्या क्या है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया, रिज़ल्ट आ रहा है, हमारा फ़ोन ये सब सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम तो एडिट का ऑप्शन में सही है, एडिट हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फिर से वन टाइम इसको देख लेंगे और कैसे करते हैं वो, सेटिंग से भी होती है। जनरली हमें सेटिंग पे जाना है, डेवलपर कंप्लीटेड पे जाके, थ्री डॉटेड पे जाके और एनालिसिस कर देंगे। तो देख ये प्रॉब्लम जब तक न्यू अप्लीकेशन नहीं आती तब तक रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।